दोस्तों स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। पिछली वीडियो में हमने स्कैम 1992 के पहले 5 एपिसोड एक्सप्लेन किए थे और इस वीडियो में हम उसके आखिर के 5 एपिसोड लेकर आए हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले जाकर उसे देखें ताकि आपको पता चले कि किस तरह 1992 में एक साधारण से आदमी ने इतना बड़ा स्कैम कर दिया। तो बिना समय गवाए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज दिन था 21 अप्रैल 1992 का। हर्षद के सभी कॉम्पिटिटर्स एक साथ बैठकर मीटिंग करते हैं क्योंकि ब्रोकर्स और सेबी के बीच में समझौता हो गया था और एक लंबे समय की हड़ताल के बाद मार्केट खुलने वाली थी। फिर केडिया मनु मुंद्रा को कहता है, आप स्ट्राइक को बंद मत होने दो तब तक जब तक कि हर्षद की एसबीआई वाली न्यूज बाहर ना आ जाए। जैसे ही न्यूज बाहर आई तो मार्केट खुलते ही ऐसे नीचे गिरेगी, हर्षद मेहता संभाल नहीं पाएगा क्योंकि उसने एसबीआई को देने के लिए जहां से भी पैसे उठाए हैं उसे लुटाने भी तो हैं। फिर अगले ही दिन 22 अप्रैल 1992 को वे शरद बेलारी को एसबीआई की खबर लीक करने के लिए द टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में भेजते हैं। फिर वो सुचिता मैडम को 500 करोड़ गायब होने की न्यूज देता है। फिर सुचिता मैडम डीटी के पास फोन करके उसे इस खबर के बारे में बताती है और मिलने के लिए बुलाती है। फिर वो एक होटल में जाकर देवोशीष से मिलती है और उसे सारी बात बताती है। देवोशीष कहता है कि ये मुझे स्क्रिप्टेड लग रहा है, शरद बेलारी आया नहीं, उसको भेजा गया है। फिर सुचिता उसको एसबीआई में जाकर क्रॉस चेक करने के लिए कहती है। उनके पीछे वाली टेबल पर ही डीटी भी बैठा हुआ था। फिर वो उठकर मैडम के पास आ जाता है। सुचिता उससे पूछती है कि एसबीआई ने इतनी बड़ी रकम हर्षद को कैसे दी, थोड़ा ये समझाओगे। डीटी समझाता है कि इतनी बड़ी रकम सिर्फ भरोसे पर दी जाती है, हर्षद की डीलिंग पहले उनके साथ अच्छी रही होगी इसीलिए उन्होंने हर्षद के अकाउंट में पेमेंट डाल दी। बैंक ऐसा सिर्फ टाइम बचाने के लिए करता है और जब तक वो पैसा ब्रोकर के अकाउंट में होता है वो उसको कभी भी यूज कर सकता है, हम भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि बिना किसी बीआर के पेमेंट दे दी गई हो। सुचिता कहती है दैट इज स्कैम। दरअसल वो हर्षद के ऊपर एक स्टोरी लिख रही थी, उसको हर्षद के बारे में जो भी पता लगता है वो डायरी में नोट कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ देवोशीष बैंक की कैंटीन में जाता है और वहाँ जाकर वो अलग अलग आदमियों से बात करने की कोशिश करता है। तभी अपने ऑफिस जाकर सुचिता हर्षद के पास फोन करती है और उसे कहती है कि मुझे पता चला है तुमने एसबीआई के साथ स्कैम किया है। हर्षद कहता है ये सब फालतू की नॉनसेंस बातें हैं, सच्चाई क्या है मुझे और एसबीआई को अच्छे से पता है। दूसरी तरफ देवोशीष एक दो बंदों से सच बुलवाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उनको तो खुद को कुछ नहीं पता था। तभी वहाँ सीतारमन आ जाता है। फिर वे बंदे उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको 500 करोड़ के स्कैम के बारे में पता है। सीतारमन कहता है कि ये बड़े लोगों की बातें हैं, हमको बीच में नहीं पड़ना चाहिए, उन्होंने सारा पैसा दे दिया, बस 6-7 करोड़ बाकी है, इधर बैठकर फालतू का रूमर मत फैलाओ, अगर मिस्टर खेमानी को पता चला तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। फिर वो देवोशीष से पूछता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं। फिर देवोशीष जिस डिपार्टमेंट के बारे में बताता है सीतारमन पास में ही बैठे एक आदमी से कन्फर्म करने के लिए जाता है। इतने में देवोशीष वहाँ से खिसक लेता है। फिर वो सुचिता मैडम के पास जाता है और बताता है कि बिल्लारी की बात सच निकली, 500 करोड़ का पंगा सच में था, बस 6-7 करोड़ की रकम बाकी है और वो भी परसों क्लियर हो जाएगी। सुचिता कहती है कि उसने जो भी रुपया यूज किया है वो क्या उसके बाप का था, वो भारत के लोगों का पैसा था, मुझे ये स्टोरी उसके बाकी का पैसा वापिस करने से पहले छापनी होगी। तभी वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया के ओनर का बेटा राजदीप आता है, वो कहता है कि हमारा पेपर कोई छोटा मोटा नहीं है जो बिना सबूतों के ही इतनी बड़ी न्यूज छाप देगा, हर्षद का फोन आया था, वो सब बातों से डिनाई कर रहा है। फिर वो सीधा राजदीप के पापा के पास फोन करती है और उनको सारी बात बताकर हर्षद मेहता की स्टोरी छापने के लिए कहती है, लेकिन वो भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है तो हम उसकी स्टोरी नहीं छाप सकते। लेकिन सुचिता कहती है इस तरह से वो फिर से किसी और बैंक के साथ स्कैम करेगा, हमें कुछ तो करना होगा। फिर मिस्टर दिलीप कहते हैं कि तुम एक काम करो, एसबीआई की सीनियर मैनेजमेंट से बात करो और उनसे कंफर्मेशन लो, अगर वे हाँ कर देते हैं तो हम स्टोरी को छापेंगे वरना भूल जाओ स्टोरी को। फिर राजदीप उसे सलाह देता है कि तुम सीधा एसबीआई के चेयरमैन से कंफर्मेशन लो क्योंकि एक घंटे के अंदर कंफर्मेशन मिल गई तो ठीक वरना तुम्हारी स्टोरी बेकार हो जाएगी। फिर वो एसबीआई के चेयरमैन गोईपुरिया के पास फोन मिलाती है, वो कहते हैं ये क्या बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी कभार पेमेंट डिले हो जाती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये स्कैम है। फिर वो उदास होकर डीटी के पास फोन करती है और कहती है कि बिना किसी सबूत के टाइम्स ऑफ इंडिया स्टोरी छापने के लिए मना कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, व्हाट शुड आई डू। डीटी कहता है मैं भी एसबीआई में किसी अफसर को जानता हूँ, उससे बात करके देखता हूँ। तभी सुचिता के पास एसबीआई से किसी ऑफिसर का फोन आता है, वो कहता है स्कैम तो हुआ है लेकिन मैं अपना नाम नहीं बता सकता, तुम बिंदास होकर स्टोरी को छापो। और फोन के दूसरी तरफ खेमानी का बॉस सुधाकर राव था,
फिर सुचिता अपनी स्टोरी को पूरा करने लगती है। उसके बाद वो फिर से मिस्टर दिलीप को फोन करती है और कहती है कि मेरी SBI के सीनियर मैनेजमेंट से बात हो गई है, उन्होंने बताया है कि स्कैम हुआ है। मिस्टर दिलीप अभी भी कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास लिखित रूप में कोई एविडेंस है, अगर नहीं है तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। सुचिता सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को मान जाती है। अब सुचिता की स्टोरी पेपर में छप जाती है। आज ये स्टोरी घर घर में पहुँचने वाली थी। आज 23 अप्रैल 1992 का दिन था। रात को सुचिता काम करते करते ऑफिस में ही सो गई थी, तभी उसका कोलीग वहां आकर उसे पेपर का फ्रंट पेज दिखाता है। उसमें कहीं भी हर्षद मेहता का नाम नहीं था, बल्कि उसकी जगह पर हर जगह बिग बुल लिखा हुआ था। फिर वो गुस्से में अपने सीनियर के पास जाती है। वो कहता है कि दिस वाज द सेफेस्ट ऑप्शन, मैंने ऐसा राजदीप और मिस्टर दिलीप से पूछकर किया है। अब इस पेपर की बटाई शुरू हो जाती है। कुछ ही घंटों में ये पेपर मुंबई के हर घर में पहुंच जाता है। फिर अश्विन जब इस न्यूज को पढ़ता है तो वो हर्षद को जाकर ये पेपर दिखाता है। पेपर पढ़ते ही उसके पांव तले से जमीन निकल जाती है। अब उसके घर के सभी फोन बजने शुरू हो जाते हैं। बस यहीं से हर्षद का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। 7th एपिसोड में हम देखते हैं हर्षद की वाइफ न्यूज़पेपर में उसके खिलाफ न्यूज छपने से परेशान थी। हर्षद कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति की वजह से कई लोगों के घर चलते हैं, इन न्यूज़पेपर वालों का भी। आज दिन था 26 अप्रैल 1992 का। हर्षद मेहता एक मंच पर अपनी स्पीच देता है। वो कहता है कि अगर मुझे पैसे ही खाने होते तो क्या मैं सिर्फ 500 करोड़ रुपए खाता। मनी मार्केट का हर रोज का वॉल्यूम 2 लाख करोड़ है, मोटा हाथ मारता। सच तो ये है कि मैंने फॉरेन बैंकों की मोनोपोली तोड़ दी है, इसीलिए वो मेरे बारे में इस तरह की न्यूज छपवा रहे हैं। हर्षद शेयर मार्केट का वो दरिया है जो बहता रहेगा, जिसमें दम है आकर रोक ले। फिर वहाँ से जाते वक्त भूषण कहता है कि मार्केट 28 तारीख को खुलेगा। जब सेबी ने डिमांड पहले ही मान ली थी तो स्ट्राइक को इतना लमका क्यों रखा था। अश्विन कहता है ये सब सोची समझी साजिश थी, पर हर्षद को समझ में नहीं आएगी। जब पेपर वालों ने इसका नाम ही नहीं लिया था तो इसको क्या जरूरत थी सबको कहने की कि मार्केट का बिग बुल मैं ही हूँ। दूसरी तरफ सुचिता को उसका बॉस कहता है तुम्हारे आर्टिकल का फायदा ही क्या हुआ, हर्षद ने पैसे लिए थे, ये बात तो वो खुद बोल रहा है। बिना मतलब के इतना बड़ा पंगा खड़ा करने की क्या जरूरत थी। दूसरी तरफ गवर्नर साहब कहते हैं कि हमें 1 साल से सब कुछ पता था, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। हमारी गाइडलाइन भेजने के बावजूद भी सभी बैंक अपनी मनमानी करते रहे। अब एक काम करो, सभी बैंक में ऑडिट करवाओ, ये गंद कितना फैला है तभी पता चलेगा। आज 28 अप्रैल का दिन था, मार्केट खुलने वाली थी। जब मार्केट खुलती है तो मंदी के साथ खुलती है, खासकर वे शेयर जिसके अंदर हर्षद ने पैसा लगाया था। कोबरा गैंग के बंदों का अंदाजा था कि मार्केट 4000 से टूटकर 3000 पर आ जाएगी। तभी राकेश झुंझुनवाला कहता है कि जब मार्केट 2500 पॉइंट आ जाएगा तब मैं इस मार्केट में खरीदारी शुरू कर दूंगा। मेरा आइडिया है कि अगले 20-30 सालों में ये मार्केट 30 से 40 हजार क्रॉस कर जाएगी। हो सकता है कि मार्केट का अगला बिग बुल मैं ही बन जाऊं। दोस्तों गूगल करके देख लेना, 2022 में मरने से पहले भारत के लोग राकेश झुंझुनवाला को ही बिग बुल के नाम से जानते थे। कुछ दिन से मार्केट लगातार टूट रहा था। हर्षद की टीम को डर था कि मार्केट कहीं 3000 ना आ जाए। उनका पोलो शेयर 510 से टूटकर 300 पे आ गया था, लेकिन हर्षद को अभी भी डर नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि मेरी वजह से ही मार्केट गिरी है तो मेरी ही वजह से वापस ऊपर भी जाएगी। तभी हर्षद के पास उसके दोस्त राहिल का फोन आता है। उसने हर्षद के कहने पर बाजार से पैसा ब्याज पर लेकर शेयर मार्केट में लगा दिया था, लेकिन मार्केट की हालत देखकर उसकी फटी पड़ी थी। हर्षद समझाता है कि शेयर मार्केट में कभी प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस होता है, इसी को तो धंधा कहते हैं ना भाई, तू मेरा दोस्त है इसलिए शांति से समझा रहा हूँ, चल फोन रख, मिलता हूँ तुझसे कभी आगे। स्ट्राइक के बाद मार्केट 12% टूट चुकी थी और इस बात से त्यागी और केडिया दोनों खुश थे। त्यागी कहता है कि हर्षद ने जिसके भी रुपए देने हैं कभी ना कभी तो वो मांगेगा ही। अब हर्षद की सारी सिक्योरिटीज आधी रह गई है, उसका बुरा वक्त आ चुका है। तभी हर्षद के पास फेरवानी का फोन आता है। वो कहता है कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। हर्षद कहता है आप चिंता क्यों कर रहे हैं, ये मेरा काम है। फेरवानी कहता है कि RBI तुम्हारे खातों की जांच कर रहा है, वो किसी वक्त भी मेरे डोरस्टेप पे भी आ सकती है, मुझे मेरी बुक्स क्लीन चाहिए, मुझे किसी भी बैंक की BR ला कर दो। दूसरी तरफ सुचिता DT के साथ मिलकर ये प्लान बना रही थी कि हर्षद ने जिससे भी पैसे लिए हैं उस बैंक का नाम कैसे पता करे, क्योंकि ऐसे तो वो एक बैंक से लेकर दूसरे बैंक को और दूसरे बैंक से लेकर तीसरे बैंक को पेमेंट देता ही रहेगा। मुझे उसको बर्बाद करने के लिए एक और हेडलाइन छापनी है, बस मुझे कहीं से भी उसके खिलाफ कोई सबूत मिल जाए। फिर हर्षद ग्रिंडले बैंक के चेयरमैन से जाकर मिलता है और उनसे कुछ दिन के लिए BR मांगता है, लेकिन वो कहता है कि RBI की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हम अब कोई भी इस तरह का काम नहीं करेंगे जिससे रूल ब्रेक हो, बैंकों में ऑडिट चल रही है। फिर वो हर्षद को एक शॉट लगाने के लिए कहता है, हर्षद वो शॉट मिस कर देता है। फिर चेयरमैन कहता है हर्षद तुमने ये शॉट मिस नहीं किया बल्कि तुम्हारे दिमाग ने मिस किया है, दिमाग का यूज करो शायद चीजें सुधर जाए। फिर वापस जाते समय अश्विन उसको समझाता है कि हमें होल्डिंग बेचकर सबके पैसे चुका देने चाहिए, हम दोबारा शुरुआत करेंगे। रात को हर्षद की कंपनी ग्रोमोर में काम करने वाला एक कर्मचारी सुचिता को कुछ
फाइलें कर देता है और कहता है प्लीज मैडम मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ आरबीआई गवर्नर के पास उसका स्टाफ आकर बताता है कि एसबीआई का स्कैम तो कुछ भी नहीं है, सभी बैंकों ने कुछ न कुछ अमाउंट हर्षद को दे रखी है, हमें एग्जैक्ट नंबर फिगर आउट करने के लिए टाइम लगेगा। रात को जो फाइलें सुचिता को मिली थी उनमें से उसको भी उन बैंकों के नाम पता चल जाते हैं जिसने हर्षद को पैसा दिया हुआ था। दूसरी तरफ गवर्नर और उसकी टीम अकाउंट को फिगर आउट करने के लिए मेहनत कर रही थी, फिर सुबह के 4 बजे उनको एग्जिट अमाउंट पता चल जाती है। फिर गवर्नर अपने साथियों को घर जाने के लिए कहता है और उसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर को फोन करता है और बताता है कि हमारा अंदाजा सही निकला, ये भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम है 5,000 करोड़ का और इसको हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसको पब्लिक कर देना चाहिए। सुबह देवोशीष सुचिता के लिए सिगरेट और कुछ न्यूज़पेपर लेकर आता है और कहता है कि सिगरेट पी के थोड़ा स्ट्रेस कम करो और ये न्यूज़पेपर पढ़ो, हमसे पहले न्यूज प्रेस ने पर्दाफाश कर दिया है। सुचिता तो ये सोच सोच कर परेशान थी कि न्यूज प्रेस को ये इन्फॉर्मेशन किसने दी। घोष गवर्नर को बताता है कि न्यूज के बाद दिल्ली पैनिक हो गई है और फाइनेंस मिनिस्टर के फोन पर फोन आ रहे हैं। फिर गवर्नर जाकर फाइनेंस मिनिस्टर से बात करता है। मिनिस्टर पूछता है कि मेरे रोकने के बावजूद न्यूज़पेपर को किसने बताया कि इतना बड़ा स्कैम हुआ है। गवर्नर कहता है मुझे नहीं पता। फिर मिनिस्टर कहता है तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और उनको कहो कि जो आर्टिकल में छपा है स्कैम उतना बड़ा नहीं है। गवर्नर कहते हैं मैं झूठ नहीं बोल सकता। फिर मिनिस्टर कहता है कि इस न्यूज के बाद प्राइम मिनिस्टर अपसेट हो गए हैं, तुम्हें इस एलिगेशन को रिफ्यूज करना होगा और हाँ अपना सारा फोकस हर्षद मेहता पर रखो। गवर्नर कहता है समझ गया सर। फिर गवर्नर के ऑर्डर पर उसकी टीम अलग अलग बैंकों में जाकर हर्षद मेहता के अकाउंट्स में मनी ट्रांसफर से रिलेटेड सवाल जवाब करती है। गवर्नर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और कहते हैं कि जब तक आरबीआई की टीम पूरी तरह से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी झूठी खबर मत फैलाइए। फिर कुछ पढ़े लिखे रिपोर्टर सवालों की झड़ी लगा देते हैं और गवर्नर सभी सवालों के जवाब दिए बिना वहां से चले जाते हैं। फिर गवर्नर की टीम उनको कहती है कि हमें एनएचबी के चेयरमैन फेरवानी से भी सवाल जवाब करने चाहिए। फिर अगले दिन पेपर में न्यूज आती है कि आरबीआई गवर्नर ने 5,000 करोड़ के स्कैम को डिनाई किया है। अब गवर्नर को बुरा फील हो रहा था क्योंकि खबर फैलाने वाला भी वही था और खबर को वापस लेने वाला भी वही था। अब टीवी में न्यूज आती है कि विपक्षी दलों ने संसद में 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर हंगामा किया है और इस पूरे मामले की सही तरीके से जांच करने की मांग की है। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिलाया है कि सरकार जल्द ही इस मुद्दे की अच्छे से जांच करेगी। ये न्यूज सुनकर द टाइम्स ऑफ इंडिया का पूरा स्टाफ सुचिता मैडम के लिए तालियां बजाता है। दूसरी तरफ हर्षद रातों को सो नहीं पा रहा था इसलिए वो अपनी छत पर गोल्फ की प्रैक्टिस करता है। फिर रात को फेरवानी गवर्नर के पास फोन करता है और कहता है कि आपके ऑफिस के कुछ लोग मेरी किताबों में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर कहते हैं वो आपकी किताबें नहीं है, एनएचबी आरबीआई का ही एक हिस्सा है, एक काम करिए रात बहुत हो गई है सो जाइए। फिर सुबह आरबीआई गवर्नर सीबीआई के चीफ मिस्टर दास को बुलाते हैं। वो बताते हैं कि जो स्कैम हुआ है उसमें बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, बहुत सी ऐसी डील हुई है जो बोर्ड के नीचे से हुई है, हमें इस सिस्टम को क्लीन करने के लिए आपकी हेल्प चाहिए, आप अपने सबसे बेस्ट ऑफिसर को इस काम पर लगाइए। मिस्टर दास कहते हैं कि इस काम के लिए मैं माधवन को लगाऊंगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि माधवन वो ऑफिसर है जिसने बोफर स्कैम, भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसे बड़े बड़े केस हैंडल किए हैं और अनफॉर्चुनेटली ये केस भी उनको ही दिया जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। 8वें एपिसोड में हम देखते हैं जब ये केस सीबीआई चीफ के हाथ में दिया जाता है तो वे इस केस को ऑफिसर माधवन को सौंप देते हैं। माधवन विश्वास दिलाते हैं कि मैं इस केस को जल्दी ही सॉल्व कर लूंगा। चीफ कहते हैं कि ये केस बोफर से 50 गुना बड़ा स्कैम है, तुम पे गवर्नमेंट और मीडिया का प्रेशर बना रहेगा, बाकी आरबीआई गवर्नर इस केस में हमारी हेल्प करते रहेंगे। माधवन कहता है कि मैं अभी इस केस पर काम शुरू कर देता हूं। दूसरी तरफ सुब्रमण्यम सुचिता को अपने घर आने को कहता है। जब वो देवोशीष के साथ सुब्रमण्यम के घर जाती है तो देखती है वहाँ पर आरबीआई के गवर्नर बैठे हुए थे। गवर्नर साहब कहते हैं कि मुझे लगता है यूटीआई चेयरमैन फेरवानी भी हर्षद के साथ मिला हुआ है। सुचिता कहती है आप खुद उनसे बात क्यों नहीं कर लेते। गवर्नर कहते हैं वो हर्षद की तरह नहीं है, उसकी समाज में रेपुटेशन है और मेरी भी कुछ लिमिट्स हैं, मैं भी गवर्नमेंट का सर्वेंट हूँ, मैं चाहता हूँ उस पर एक्सटर्नल प्रेशर डाला जाए। यूटीआई ने ग्रीनले बैंक को 500 करोड़ रुपए हर्षद के थ्रू दिए थे और बदले में उसे ग्रीनले बैंक को बीआर देनी थी जिसको देने में वो नाकामयाब हो गया। वही पैसे उसने एसबीआई को देकर अपना खाता क्लियर कर दिया। अब आगे क्या करना है तुम्हें पता है। अगले सीन में हम देखते हैं फेरवानी पब्लिक बूथ से हर्षद मेहता के पास फोन करता है और कहता
लगता है कि मेरे पास सुचिता का फोन आया था। वो मुझसे पूछ रही थी, क्या NHB ने हर्षद मेहता को 500 करोड़ देकर हेल्प की है। मुझे पता लगा है कि RBI मुझसे पूछताछ करने के लिए एक कमेटी बना रही है, जानकी रमन कमेटी। फिर अगले दिन के पेपर में छप जाता है कि NHBC ने ही हर्षद को 500 करोड़ रुपए दिए थे। अब RBI गवर्नर के फेंके हुए पासे उसे हर बार जीत दिला रहे थे। जब ये खबर न्यूज में आती है तो सेंसेक्स में फिर से भारी गिरावट होती है। जब हर्षद और उसका स्टाफ ये न्यूज सुनता है तो सबका रंग उड़ जाता है। फिर हर्षद फेरवानी से मिलता है और उसे समझाता है कि चिंता मत करो, मैं NHPC का पैसा जल्दी ही लौटा रहा हूँ, फिर आपका इस केस से नाम हट जाएगा। फेरवानी कहते हैं कि मैंने लोगों का विश्वास तोड़ा है, अब मैं रिजाइन दे दूंगा। अगले ही दिन मिस्टर फेरवानी के घर CBI ऑफिसर K माधवन अपनी टीम के साथ आ जाता है उनसे पूछताछ करने के लिए। दूसरी तरफ त्यागी और केडिया गोल्फ के मैदान में बात कर रहे थे कि हर्षद गधे को बाप बनाने आ रहा है। तभी वहाँ हर्षद आ जाता है। वो कहता है, एकदम सही कहा आपने। हर्षद के साथ प्रणव सेठ भी था। त्यागी पूछता है, BSC का अमिताभ बच्चन मुझसे क्यों मिलने आया है। फिर वो बात शुरू करने से पहले हर्षद को एक शॉट लगाने को कहता है। हर्षद यहाँ पूरी तैयारी से आया था। वो शानदार शॉट मार के सबको चौंका देता है। दूसरी तरफ माधवन फेरवानी को कहता है, अब हमें ऐसी जगह चलना चाहिए जो मेरी ही जगह हो और चाय भी मेरी हो। वहाँ सवाल भी मैं ही पूछूंगा और शायद वहाँ आपके मुँह से सही जवाब निकलेंगे। फिर वो फेरवानी को अपने ऑफिस ले जाता है। वो खुद लिफ्ट से ऊपर जाता है और फेरवानी को सीढ़ियों से ऊपर आने के लिए कहता है। माधवन का ऑफिस 5वें फ्लोर पर था। ऊपर जाते जाते फेरवानी की हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ त्यागी हर्षद मेहता को उसके 1400 करोड़ के शेयरों की 35% कीमत देने को कहता है, यानी कि 490 करोड़ और 10 करोड़ गोल्फ में बेस्ट शॉट मारने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि हर्षद को NHPC के 500 करोड़ रुपए देने हैं। उसके बाद हर्षद के खाते में कुछ भी नहीं बचेगा और हर्षद ठनठन गोपाल हो जाएगा। हर्षद कहता है कि इतने बढ़िया ऑफर के लिए धन्यवाद, अब डूबेंगे तो साथ में डूबेंगे। दूसरी तरफ पूछताछ के दौरान फेरवानी बात को गोल गोल घुमा रहा था। फिर माधवन को गुस्सा आ जाता है। वो उसको गालियां निकालने लगता है और कहता है कि आज तो जाओ, लेकिन अगली बार बुलाऊं तो सरल भाषा में सरल जवाब देना, और हाँ, जाते समय लिफ्ट ले लेना, क्योंकि जो मेहनत तुमने ऊपर आने में करनी थी वो तो कर ली, अब जाना तो नीचे ही है, कैसे भी जाओ। दूसरी तरफ प्रणव सेठ हर्षद को समझाता है कि तू जल्दी से कोई बायर ढूंढकर अपने शेयर बेच दे और सबका हिसाब चुकता कर दे। ये CBI वाले बहुत टेढ़े लोग होते हैं, थप्पड़ भी मार सकते हैं। अगले दिन CBI की टीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाती है। पूछताछ करने पर खेमानी बताता है कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे सबऑर्डिनेट ने हर्षद के साथ मिलकर इतना बड़ा पंगा क्रिएट कर दिया है। जब मेरे बंदे ने मुझे आकर कहा कि मैंने BR ले ली है तो मैंने मान लिया, अब मुझे क्या पता उसने पैसों के बदले BR नहीं ली। फिर माधवन कहता है कि मेरे किसी सबऑर्डिनेट ने मेरे साथ ये काम किया होता तो मैं उसे चमाट मार मार के उसकी चड्डी गिली कर देता। मेरी जॉब मुझे वायलेंस की भी इजाजत देती है। फिर वो कामत के पास जाकर पूछताछ करता है। उसके लॉकर में बहुत सारी ज्वेलरी मिली थी। वो पूछता है, कहां से आई इतनी ज्वेलरी। वो बताता है कि मेरी बेटी जॉब करती है और उसने खुद की शादी के लिए ज्वेलरी इकट्ठी की है। माधवन कहता है, गुड, खुद की ज्वेलरी ले सकती है पर खुद का लॉकर नहीं ले सकती। अब आपने अपनी जबान सील कर रखी है, मुझे भी तो कुछ सील करना पड़ेगा, वरना हम पीछे रह जाएंगे, हम आपका लॉकर सील कर देते हैं। फिर माधवन जाता है सीतारमन के पास और कहता है कि मैंने जितने भी लोगों से बात की है मुझे लगने लगा है कि SBI का असली मालिक तो तू है। सीतारमन कहता है, बिना सीनियर की अथॉरिटी यहाँ कुछ भी नहीं होता। माधवन कहता है, सीनियर कहते हैं जूनियर ने घपला किया है, जूनियर सीनियर का नाम ले रहा है। फिर वो सीतारमन का हाथ मरोड़कर पूछता है, इसमें जो जो भी इन्वॉल्व है मुझे सबके नाम जानने हैं, क्योंकि सभी सीनियर निकल जाएंगे और आपके अलग जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि TV में न्यूज आती है कि हर्षद मेहता का SBI वाला अकाउंट सील कर दिया गया है, तब तक जब तक कि इस स्कैम से पर्दा ना उठ जाए। फिर दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगता है। अश्विन कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था अपने शेयर बेचकर सबके अकाउंट क्लियर कर दो, अगर फेरवानी ने मुंह खोल दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हर्षद कहता है कि अगर वो मुंह खोलेगा तो PMO का भी नाम आएगा। फिर हर्षद जाकर फेरवानी से मिलता है। फेरवानी कहता है कि माधवन बहुत ही टेढ़ा आदमी है, उसको समझाना नामुमकिन है, मैं एक और इंटरोगेशन हैंडल नहीं कर पाऊंगा, सांसद बनने के सपने ने मुझे डुबो दिया है। फिर हर्षद स्वामी जी के पास फोन करता है। स्वामी जी कहते हैं, जीवन में बाधाएं आती रहती है, तुम चिंता मत करो, समय के पास हर ताले की चाबी है, सभी दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। फिर हर्षद कहता है कि अगर फेरवानी ने मुंह खोल दिया तो हम सबकी घंटी बज जाएगी। फिर स्वामी जी कहते हैं कि फेरवानी के मन पर हमारा नियंत्रण है, तुम जाकर सो जाओ। अब दिन आता है 21 मई 1992 का। जब फेरवानी की बेटी उसके रूम में जाती है तो देखती है कि वो अपने रूम में मरा पड़ा है। फिर DT ये बात सुचिता को बताता है कि फेरवानी नहीं रहा। अब लोग यही बातें कर रहे थे कि सुचिता मैडम के आर्टिकल ने उसे मार डाला। कुछ लोग कह रहे थे कि उसने सुसाइड की है और कुछ लोग कह रहे थे कि उसको हार्ट अटैक आया था। हर्षद को भी एक बात पता चल गई थी कि चिंता चिता के समान होती है। रात को जब देवोशी सुचिता के घर जाता है तो देखता है कि फेरवानी की मौत के बाद वो टूट चुकी है।
वो उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिरवानी सीबीआई का प्राइम विटनेस था। उसकी मौत के साथ ये केस आधा कमजोर हो गया था। माधवन भी अपने सीनियर को कहता है, मैंने उससे ऐसी कोई पूछताछ नहीं की जिससे उसको मरना पड़े, ये नेचुरल डेथ है। फिर उसका सीनियर कहता है, अब समय आ गया है जब तुमको बिग बुल से ही सवाल जवाब करने चाहिए। फिर माधवन अपनी टीम को लेकर हर्षद मेहता के घर चला जाता है। वो पूछता है, बहुत बड़ा घर है तुम्हारा, कितने स्क्वायर फुट का होगा? हर्षद कहता है 15,000। वो कहता है, फिर तो हमें बहुत टाइम लगने वाला है। फिर जब हर्षद फोन उठाता है तो माधवन फोन तोड़ देता है और कहता है कि आप बस एक काम कीजिए, मैंने सुना है यहाँ ढोकला बहुत अच्छा बनता है, आप वही बनवा दीजिए। फिर वो अश्विन को भी अपने पास बुला लेता है और अपने बंदों को कहता है कि कोई भी नुकसान मत करना। फिर वो अश्विन को कहता है, भाई ढोकला के लिए बोल दीजिए, आई एम सीरियस। अब घर की तलाशी लेते लेते 11 घंटे बीत जाते हैं। माधवन कहता है, मेहता जी अब आप मेरे साथ चलिए, डिनर मैं आपको कराता हूँ। अश्विन कहता है, सर डिनर और बात तो यहाँ भी हो सकती है। माधवन कहता है, एक काम करो तुम भी मेरे साथ चलो। फिर माधवन उनको सरकारी गाड़ी में बिठाकर सरकारी दफ्तर ले जाता है। अब ये बात सुचिता को भी पता चल जाती है कि सीबीआई ने हर्षद को गिरफ्तार कर लिया है और साथ में खेमानी और अश्विन को भी। फिर भूषण हर्षद की वाइफ को जाकर बताता है कि आप 2 हफ्ते मानकर चलिए, हर्षद भाई घर नहीं आने वाले। तभी उनके घर सुचिता दलाल आती है। वो हर्षद की वाइफ से सवाल पूछने के लिए आई थी, लेकिन उसकी वाइफ उसके गले पड़ जाती है और कहती है कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपको दुनिया की नजरों में हीरो बनना था, इसीलिए आप मेरे पति पर आर्टिकल पे आर्टिकल लिख रही थी। पूरे देश में इतने सारे टेररिस्ट और करप्ट नेता खुलेआम घूम रहे हैं, पर देश को तो हर्षद से खतरा है। देखिए इस घर को और हम लोगों को देखिए, क्या इस देश को सच में हमसे खतरा है? मैडम आपके लिए आदमी नहीं बल्कि आपकी स्टोरी इम्पोर्टेंट है। अब ये बात हर्षद के दोस्त राहिल को भी पता चल गई थी, इसलिए वो टेंशन में था कि अब लोग उसके घर पर पैसा मांगने आएंगे। इस न्यूज के कारण मार्केट की वाट लग जाती है। ग्रोमोर कंपनी के एम्प्लॉइज फोन रिसीवर को नीचे रख देते हैं ताकि किसी का भी फोन ना आए। एक्सचेंज में लोग उनके जोबर को पकड़कर खूब पीटते हैं क्योंकि ये हर्षद मेहता की कंपनी में काम किया करते थे और इन्हीं के शेयरों की वाट भी लगी थी। अब भूषण भट्ट को भी भागने के लिए जगह नहीं थी। अब लोग सड़कों पर हर्षद मेहता हाय हाय के नारे लगाते हैं और उसके पुतले भी फूंकते हैं। दूसरी तरफ के माधवन हर्षद से सवाल जवाब कर रहा था। वो उससे पूछता है कि सीधी तरह बता दो, एसबीआई से तूने जो पैसे लूटे थे उनका क्या किया? हर्षद कहता है, मैंने कोई पैसा नहीं लूटा, मैंने उनके सारे पैसे लुटा दिए हैं। माधवन पूछता है, तो यही बता दो कि एसबीआई को लौटाने के लिए पैसे कहां से आए? हर्षद कुछ नहीं बोलता। फिर हर्षद को जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब अश्विन भाई को छोड़ दिया जाता है, लेकिन हर्षद अब भी कुछ दिन और वहां रहने वाला था। फिर भूषण अश्विन को कहता है, जो स्पेशल कोर्ट ने कस्टोडियन अपॉइंट किया था उसके साथ हमारे सारे एसेट्स अटैच करने होंगे, इसमें उन सारे एसेट्स की डिटेल है, आपके और हर्षद भाई के साइन की जरूरत पड़ेगी। फिर अश्विन बिना पढ़े कागजों पर साइन कर देता है। दूसरी तरफ माधवन हर्षद को समझाता है कि आपके ऊपर पूरे 31 केस डाले गए हैं, एक केस से बेल लोगे तो दूसरे केस में अंदर जाओगे और दूसरे केस से बेल लोगे तो तीसरे केस में, और हाँ इन्फोर्समेंट वाले भी तुमसे मिलना चाहते हैं, जब मुझसे जान छूटेगी तो उनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ जहाँ त्यागी हर्षद के गिरफ्तार होने से खुश था तो केडिया उदास था, क्योंकि उसे पता था कि उसके बाद उन जैसे लोगों का भी नंबर आ सकता है। फिर रात को हर्षद जेल से स्वामी जी के पास फोन करता है और कहता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो वरना मेरे साथ साथ तुम सब फंसोगे, मेरी बात पीएम तक भी पहुँचा देना। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। 9th एपिसोड में हम देखते हैं सीबीआई वाले अब भूषण को भी पकड़कर खूब तोड़ते हैं, लेकिन भूषण कुछ बोलने को तैयार ही नहीं था। माधवन कहता है, भूषण जी आप गुंडे नहीं हैं, भड़वे हैं, हम सब लोग हर्षद मेहता की ऐसे की तैसी करना चाहते हैं और वो हो नहीं पा रही क्योंकि तुम जैसे भड़वे जबान नहीं खोल रहे। फिर भूषण गुस्से में कहता है, क्या सुनना चाहते हो आप? फिर माधवन कहता है, कोई तौलिया लेके आओ इसके लिए, पसीना पसीना हो गया बेचारा। फिर वे उसे पेशाब में भीजा हुआ तौलिया देते हैं पसीना पूछने के लिए। भूषण तौलिया फेंक देता है और रोने लगता है। फिर माधवन उसका गला पकड़ के कहता है, अगर तू अपनी जबान नहीं खोलेगा तो तेरे ऊपर ही मूत दूंगा। फिर गुस्से में भूषण कहता है, दिल्ली हर्षद की जेब में है। माधवन कहता है, तू एक बार नाम बोल उसके दिल्ली वाले दलों का, उनको भी अंदर कर दूंगा। फिर भूषण कहता है, प्रधानमंत्री को भी अंदर कर दोगे क्या? ये सुनकर माधवन की फट जाती है और वो सीधा चीफ के पास जाता है। वो चीफ को कहता है कि मुझे पता लगा है कि उसमें हाई लेवल के पॉलिटिशियन का भी हाथ है, आप मुझे परमिशन दो अपने तरीके से पूछताछ करने की। लेकिन चीफ कहता है, यू नीड टू स्लो डाउन माधवन, मुझे सोचने का समय दो। अगले सीन में हम देखते हैं भूषण और अश्विन जेल में हर्षद से मिलने जाते हैं। वे उसे बताते हैं, कस्टोडियन ने जो एसेट्स की लिस्ट मांगी थी हमने सब कुछ उसके साथ अटैच कर दिया है, प्रॉपर्टी गाड़ियां शेयर, अब कुछ भी उनसे पूछे बिना नहीं बेच सकते। हमने कई बार स्वामी जी को भी फोन करने की कोशिश की लेकिन हर बार उनके चेले यही कहते हैं कि स्वामी जी समाधि में हैं। हर्षद कहता है कि अगर बात हो तो कह देना, मैं ज्यादा दिन चुप नहीं रहूंगा।
दूसरी तरफ चीफ दिल्ली में स्वामी जी से मिलने जाता है। स्वामी जी कहते हैं हर सवाल का जवाब हर्षद मेहता होना चाहिए, वही एक नाम है जो लोगों को भी पसंद आएगा और सांसद को भी। चीफ कहता है माधवन मानेगा नहीं। फिर स्वामी जी कहते हैं सीबीआई के चीफ आप हैं, माधवन को आप समझाएंगे। और हाँ, उस पत्रकार सुचिता दलाल को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। वापिस मुंबई आकर चीफ के माधवन से इस केस का चार्ज वापिस ले लेता है और कहता है कि अब से इस केस को मैं ही देखूंगा। माधवन कहता है समझ गया सर, ये ऑर्डर आपके मालिकों ने दिया है। आप पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं, जो सिर्फ मालिक का हुक्म मानता है। मैं भी कोई गधा नहीं हूँ जो एक तोते की बात मानूंगा। मैं आपको मेरा रेजिग्नेशन भेज दूंगा। और हाँ, जब प्रेस वाले आपसे सवाल पूछें कि के माधवन ने इस केस में इतनी आगे जाकर अपना रिजाइन क्यों दिया, तो सोच लेना क्या जवाब देना है, या फिर ये भी अपने मालिकों से ही पूछ लेना और तोते की तरह रट्टा मारकर बोल देना। फिर स्वामी जी चीफ को कहते हैं कि प्रेस को कह देना उसका प्रमोशन नहीं हुआ, इसीलिए उसने अपना रिजाइन दे दिया। उधर हर्षद मेहता अपने वकील से पूछता है मैं कब तक बाहर आ पाऊंगा। वकील कहता है सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन 30 जुलाई तक चल सकती है, मैंने अंडरटेकिंग देखी है। हर्षद कहता है ठीक है, अपना जन्मदिन घर पर ही मनाऊंगा। दूसरी तरफ चीफ अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर देता है कि 30 जुलाई को हर्षद बाहर नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर जितनी ज्यादा हो सके उतनी एफआईआर ठोको। आज वो दिन आ गया था जब हर्षद का जन्मदिन था। अश्विन और भूषण जेल से अकेले ही वापस आ जाते हैं और घर आकर बताते हैं कि हर्षद को बेल नहीं मिली, सीबीआई ने और 15 दिन की कस्टडी मांगी है। फिर भूषण हर्षद की वाइफ को समझाता है आपके और भाई के नाम एक नोटिस आया है 10,000 करोड़ का। दूसरी तरफ चीफ खुद हर्षद को डराने में लगा हुआ था। वो कहता है तुमने इतना बड़ा स्कैम किया है कि मैंने अकाउंटेंट्स की पूरी फौज लगा दी है सिर्फ ये जानने के लिए कि स्कैम कितना बड़ा है। हर्षद कहता है मैंने कोई स्कैम नहीं किया, मैंने किसी बैंक के कोई रुपए नहीं देने, मैंने सभी की एक सिंगल पैनी तक वापिस कर दी है। उसी रात जब सुचिता सो रही थी तो कोई उसका शीशा तोड़ देता है। वो देखती है पत्थर के साथ एक लेटर भी है, वो पत्थर अश्विन ने मारा था क्योंकि वो उससे बात करना चाहता था। वो फोन भी कर सकता था लेकिन फोन टैप थे। वो सुचिता को कहता है कि सीबीआई वाले मेरे भाई को मार डालेंगे, अब आप ही ऐसी कोई न्यूज छापिए जिससे मेरा भाई बाहर आ जाए। लेकिन सुचिता उनकी हेल्प करने से मना कर देती है। कुछ दिन बाद हर्षद को कोर्ट से बेल मिल जाती है, तभी वहाँ इन्फोर्समेंट वाले आ जाते हैं। वे उसे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट तोड़ने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं। वे उस पर झूठा इल्जाम लगाते हैं कि आप हवाला के जरिए अपना सारा पैसा बाहर ट्रांसफर करते हैं और आपके स्विस बैंक में भी अकाउंट है, लेकिन हर्षद हर बात को डिनाई कर देता है। फिर उसे और 5 हफ्ते जेल में ताड़ दिया जाता है। फिर चीफ स्वामी जी से बात करता है कि हर्षद को और जेल में नहीं रख सकते। स्वामी जी कहते हैं तो जाने दो उसको, शारीरिक रूप से नहीं तो मानसिक रूप से उसको बांध कर रखो, उसको बार बार याद दिलाते रहो कि प्रधानमंत्री का नाम लेगा तो संकट में आ जाएगा। अब हर्षद की बेल हो जाती है। हर्षद अभी भी कहीं ना कहीं लोगों का हीरो था, लोगों को उम्मीद थी कि ये फिर से मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा, लेकिन सुचिता उसे इस नजर से देख रही थी जैसे ये उसका पिछले जन्म का दुश्मन है। फिर जब हर्षद घर जाता है तो कई दिनों बाद उससे मिलकर उसकी फैमिली बहुत खुश होती है। आज दिन था 4 नवंबर 1992 का। हर्षद को जेपीसी में बुलाया गया था, इसलिए वो दिल्ली आया था। जेपीसी मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। लेकिन वहाँ जाने से पहले पार्लियामेंट का एक आदमी हर्षद से मिलने आता है। वो कहता है कि कमेटी में कुछ भी कहना लेकिन पीएम और स्वामी जी का नाम नहीं आना चाहिए। हर्षद कहता है जब तक आप मुझे बचाते रहेंगे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। फिर जेपीसी में जाकर हर्षद सारा ब्लेम इंडियन बैंक्स पर डाल देता है। वो कहता है कि भारतीय बैंकों का सिस्टम इतना कमजोर है कि सिटी बैंक जैसे विदेशी बैंक सभी बैंकों पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस कमेटी में जितने भी लोग बैठे हैं मैं श्योर हूँ आप में से किसी को भी बैंकों की नॉलेज नहीं है, इसलिए आप बैंकों के सिस्टम को सुधार नहीं पाओगे। इस काम में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ लेकिन मेरी शर्त ये है कि मेरे ऊपर से सभी चार्जेस हटा दिए जाएं। फिर वो कुछ सवाल बताता है जो इनको सिटी बैंक से पूछने चाहिए। फिर अगली मीटिंग में मिस्टर त्यागी को बुलाया जाता है। उसके बैंक के ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए जाते हैं त्यागी सभी को डिनाई कर देता है और कहता है कि आप मेरे साथ चलकर मेरे बैंक की सभी बुक्स चेक कर सकते हैं। कमेटी मेंबर कहते हैं हम आपके बैंक की कुछ किताबें पहले ही देख चुके हैं, उनमें इश्यूज थे तभी हमने आपको बुलाया है। फिर त्यागी कहता है कि हमारा बैंक इस देश में पिछले 90 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा है, हमने इस देश में एनआरआई इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दिया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि क्यों सक्सेसफुल होना इस देश में क्राइम माना जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आरबीआई गवर्नर चुपके से सुचिता दलाल से मिलता है और उनको दिल्ली जाने के लिए कहता है। वहां जाकर वे एक पार्लियामेंट मेंबर से मिलती है। वे बताते हैं कि सीबीआई गवर्नमेंट और मीडिया सिर्फ एक ही आदमी के पीछे पड़े हुए हैं, अब हमें अपना फोकस बैंक, इंटरनेशनल बैंक और कुछ गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर शिफ्ट करने की जरूरत है। जेपीसी की पावर बहुत लिमिटेड है, अगर ये बात आप अपने सीनियर्स तक पहुंचा दें तो सीबीआई को एक्शन लेना ही पड़ेगा। फिर वो उन्हें उस रूम में जितनी भी फाइलें पड़ी थी सबको चेक करने के लिए कहते हैं। फिर मिस्टर सिंह उन्हें आकर और
फाइलें देते हैं। उनको ये फाइलें चेक करते करते सुबह से रात हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह वे मुंबई वापस आ जाते हैं। फिर वहाँ आकर वो पेपर में आर्टिकल छापती है कि जेपीसी की रिपोर्ट और फाइलों से हमें ये पता चला है कि हर्षद ने बैंकों की जिन जिन कमजोर प्रणालियों का यूज किया है उसी तरीके को सिटी बैंक भी यूज करता आ रहा है। अब हमें जरूरत है सिटी बैंक के गिरेबान में झांकने की। अब केडिया के ऑफिस में भी छापा पड़ जाता है और एक टीम सिटी बैंक जाकर त्यागी से भी पूछताछ करती है। जब मामला और बढ़ जाता है तो फाइनेंस मिनिस्टर सिटी बैंक के चेयरमैन मिस्टर राव से खुद पूछताछ करते हैं। मिस्टर राव कहते हैं कि जब भी भारत की अर्थव्यवस्था पर संकट आया है सिटी बैंक ने हमेशा भारत का और उसके लोगों का साथ दिया है और अब आप हमें विदेशी बैंक बुला रहे हैं। फिर उसके बाद मिस्टर राव त्यागी से मिलते हैं। त्यागी कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़े दिन में एक इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा और लोग हमारे बारे में सब कुछ भूल जाएंगे। फिर मिस्टर राव कहते हैं जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तुम इन सबसे दूर रहो, कल ही तुम न्यूयॉर्क चले जाओ और वहाँ जाकर ड्यूटी संभालो, तुम्हारा प्रमोशन कर दिया गया है। जब केडिया को इस बात का पता चलता है तो उसको शोक लग जाता है। वो कहता है कि मैं दो दिन जेल में था, बेल पर बाहर आया हूँ और तुम अमेरिका जा रहे हो। त्यागी कहता है मैं तुम्हारे टच में रहूंगा, ऑल द बेस्ट। अब मंत्रियों को भी चिंता सता रही थी कि कहीं हर्षद का हीरो ना जाग जाए और वो हमारा नाम ना ले दे। स्वामी जी कहते हैं भले ही अब हम उसे जेल में ना भेज पाए लेकिन उसको जेल दिखती रहनी चाहिए। फिर वे टाइम टू टाइम हर्षद के घर सीबीआई की रेड डलवाते रहते हैं ये सोचकर कि अगर वो डरा रहेगा तो हमारे खिलाफ मुंह नहीं खोलेगा। बार बार रेड पड़ने से हर्षद परेशान हो जाता है। फिर हर्षद अपने भाई को कहता है अपने पास एक वीडियो कैमरा था, अब उसको निकालने का टाइम आ गया है। फिर वो अपनी एक वीडियो शूट करता है ताकि कल को अगर उसे कुछ हो जाए तो लोगों को पता चले कि उसके पीछे कौन कौन लोग हैं। वो बताता है कि जब भी इस देश में कोई बड़ा धंधा करना है तो उसका एक ही शॉर्टकट है जो दिल्ली के पार्लियामेंट में से होकर गुजरता है। वहाँ जितने ऊपर आपके कनेक्शन होंगे आपका बिजनेस उतनी ही ऊंचाइयों को छुएगा। 91 के इलेक्शन के दौरान मैंने भी दिल्ली के दरबार में हाजिरी लगाई थी। ये बात प्रचारक से लेकर प्रधानमंत्री तक सबको पता है। पीएम के ज्वाइंट सेक्रेटरी इंद्रजीत शर्मा उन्होंने ही 4 नवंबर 1991 में मीटिंग फिक्स की थी। रिकॉर्डिंग के बाद हर्षद कहता है स्वामी जी ने हमारे साथ संबंध समाप्त कर दिए है ना, अब टाइम आ गया है स्वामी जी को समाधि से जगाने का। फिर प्रणव सेठ हर्षद को मुंबई के सबसे बड़े वकील मिस्टर जेठमलानी के पास लेकर जाता है। वो कहता है प्रणव तू गधा है, तुझे सबसे पहले इनको मेरे पास लाना चाहिए था, ये केस छोटे मोटे वकीलों का नहीं है। अब पुलिस और सीबीआई तुमसे कुछ भी पूछे मुझसे पूछे बिना तुम कुछ नहीं बोलोगे। सीबीआई वाले हर्षद को फिर से उठा लेते हैं और उससे सवाल जवाब करते हैं कि 2 से 4 नवंबर के बीच तुम्हारे अकाउंट में मोटी मोटी ट्रांजेक्शन हुई थी, उसका तुमने क्या किया था। लेकिन हर्षद उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर वकील साहब कहते हैं कि सीबीआई चीफ से तो मैं निपटूंगा। फिर वो सीबीआई चीफ को जवाब भेजता है कि 2 से 4 नवंबर के बीच में मेरे क्लाइंट हर्षद मेहता ने वो पेमेंट एक पार्लियामेंट पार्टी को दी थी, अगर आप कहते हैं तो हम उसकी पूरी डिटेल सबके सामने डिस्क्लोज कर देंगे। चीफ वो लेटर पढ़कर पार देता है। अगले दिन सुचिता अपने सीनियर को आकर बताती है कि बिजनेस स्टैंडर्ड में एक स्टोरी छपी है, हर्षद ने गवर्नमेंट के किसी पावरफुल इंसान को 1 करोड़ रुपया दिया था, क्या तुम्हें आइडिया है वो कौन हो सकता है। वो मना कर देता है। फिर सांसद दोबारा मिस्टर मेहता से मिलने आता है। वो कहता है कि अब तुम प्रेस में भी अफवाहें फैलाने लगे हो। हर्षद कहता है कि आप मेरे खिलाफ लगे हुए सभी चार्जेस हटा दीजिए। वो कहता है हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, इनकम टैक्स सीबीआई प्रेस सब तुम्हारे पीछे पड़े हैं, फिर भी हम देखेंगे क्या हो सकता है। हर्षद कहता है आप जो भी करो मुझे रिटर्न में चाहिए। अब समय आता है 16 जून 1993 का। मिस्टर जेठमलानी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। फिर वो सबके सामने कबूल करते हैं कि हर्षद ने प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपया दिया था। हर्षद ने सूटकेस प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल असिस्टेंट को सौंप दिया था, इसलिए आज के बाद इसे हर्षद मेहता स्कैम नहीं बल्कि पीवी नरसिम्हा राव स्कैम कहा जाना चाहिए। दोस्तों ये कोई छोटा मोटा एलिगेशन नहीं था, ये बहुत बड़ा एलिगेशन था जिससे पूरा इंडिया हिल गया था। अब लास्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि हर्षद ने प्रधानमंत्री पर जो एलिगेशन लगाए थे वो उसे प्रूफ नहीं कर पाया, उसकी बातें सिर्फ अफवाह बनकर रह गई। हर्षद को अब शेयर मार्केट में बैन कर दिया गया था, मार्केट भी लगातार गिर रही थी, सेंसेक्स टूटकर 2000 तक आ गया था। जिन लोगों ने हर्षद की बातों में आकर शेयर मार्केट में अपनी सारी पूंजी लगा दी थी उनका सब कुछ डूब गया था। उन दिनों कईयों ने अपनी जान दे दी थी। हर्षद का दोस्त राहिल भी कर्जे से छुटकारा पाने के लिए दुनिया छोड़ गया था। जब हर्षद उसके संस्कार पर गया तो उसकी वाइफ ने हर्षद को खूब बुरा भला कहा। अब वो दिन आता है जब सुचिता मैडम खुद हर्षद का इंटरव्यू लेने उसके घर जाती है। वो सवाल पूछती है आप कॉमन मैन के हीरो थे, आपकी वजह से जो लोगों का नुकसान हुआ है क्या वो लॉस कभी भी रिकवर हो सकते हैं। हर्षद कहता है मैं जानता हूँ मेरी वजह से काफी लोगों को नुकसान हुआ है लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहता था कि किसी को नुकसान हो, बल्कि मैंने तो लोगों की तिजोरियां भरी है, मैंने तो बैंकों की भी पाई पाई चुका दी और जहां तक नुकसान की बात है भुगत तो मैं
मैं भी रहा हूँ। 1994 में मिस्टर जेठमलानी हर्षद को विश्वास दिलाते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे सभी एसेट्स तुम्हें वापस मिल जाएं। एक दिन भूषण वहां कुछ पेपर्स लेकर आता है और कहता है कि सीबीआई ने आप पर एक और केस ठोक दिया है। दरअसल वे लोग चाहते ही नहीं हैं आप लोग इस जाल से बाहर निकलें। हर्षद फिर से सुचिता को बुलाता है और बताता है कि भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार ने किसी से उसके सारे एसेट्स छीन लिए हों और उसके हर केस पर साथ साथ एफआईआर दर्ज कर दी हों। भारत में जितनी भी एजेंसियां हैं आरबीआई सीबीआई आईटी ईडी जेपीसी सबकी सब उन्होंने मेरे पीछे लगा दी। इनकम टैक्स वालों ने 10,000 करोड़ रुपए का मेरे ऊपर केस ठोक दिया जबकि इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स पेयर मैं ही था। मेरा नाम ही मेरा दुश्मन बन गया। फिर 1995 में अश्विन को वकील बनने का शौक चढ़ता है क्योंकि अब तक उनके ऊपर इतने केस ठोक दिए गए थे कि खुद वकील बनेंगे तभी कोई बिजनेस कर पाएंगे। अब इन लोगों ने अपने एसेट्स वापस पाने की आस ही छोड़ दी थी। हर्षद अब कोई नया बिजनेस करना चाहता था लेकिन अश्विन उसे समझाता है पहले इन केसों में से अपना नाम हटवाना होगा वरना हमें ही नहीं लोग हमारे बच्चों को भी चोर बोलेंगे। फिर हर्षद अगेन सुचिता को बुलाता है और कहता है कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस बात को मुद्दा किसने बनाया था। सुचिता कहती है मैं अपने एसेट्स का नाम नहीं ले सकती। हर्षद कहता है मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि कहीं आपके सोर्स की मेरे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं थी क्योंकि जो ट्रिक मैं यूज कर रहा था वही ट्रिक तो मुझसे पहले भी कई लोग यूज करते थे। बस स्कैम का नाम देकर आपके सोर्स ने आपको मेरे पीछे लगा दिया। फिर सुचिता गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है और कहती है मैं सिर्फ फैक्ट्स पर काम करती हूँ। सुचिता इस स्कैम पर एक बुक लिख रही थी जो कि अब पूरी हो चुकी थी। देवोशीष कहता है कि जिस डीटी ने तुम्हारी हेल्प करी थी वो भी तो हर्षद वाला काम करता था बस हर्षद के कारण उसका काम नहीं चल पा रहा था इसीलिए वो तुम्हारी हेल्प कर रहा था ताकि उसके रास्ते क्लियर हो जाएं। फिर देवोशीष इस स्कैम वाली बात को बाजू हटाकर सुचिता को प्रपोज करता है शादी के लिए। कुछ दिन बाद वे दोनों शादी कर लेते हैं। एक तरफ सुचिता शादी करके खुशियां मना रही थी तो दूसरी तरफ हर्षद की कारों की नीलामी चल रही थी। हर्षद की जान से प्यारी लेक्सस कार आधे से भी कम भाव में नीलाम कर दी गई और हर्षद सिर्फ देखता ही रह गया। 1996 में सरकार फिर से चेंज हुई और अब की बार आई अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार। पीवी नरसिम्हा राव के गद्दी छोड़ जाने पर हर्षद को कुछ केसों में से रिलीफ मिली। हर्षद के ऊपर 72 से भी अधिक क्रिमिनल केस और 600 से भी ज्यादा सिविल केस ठोके गए थे। उस समय की सरकार ने हर्षद को अंडरवर्ल्ड डॉन से भी बड़ा क्रिमिनल बना दिया था। अब बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन और शेयर मार्केट के बच्चन दोनों का ही टाइम चला गया था। अब हर्षद मेहता डिसाइड करता है कि वो न्यूज़पेपर में शेयर मार्केट पर अपने कॉलम छपवाएगा ताकि मार्केट के साथ भी जुड़ा रहे और लोग उसका नाम भी ना भूले। लेकिन सुचिता दलाल टाइम्स ऑफ इंडिया में उसका कॉलम छपवाने से मना कर देती है। फिर उसका कॉलम छापने के लिए नवदेश समाचार आगे आता है। अब हर्षद टीवी पर भी छोटे मोटे इंटरव्यू देकर मार्केट की न्यूज बता दिया करता था लेकिन उसका भाई और उसकी फैमिली को उसका मुफ्त का ज्ञान बांटना पसंद नहीं था। हर्षद को परख थी कि आने वाले टाइम में सब काम कंप्यूटर पे होंगे इसलिए शेयर मार्केट में कंप्यूटर लाने वाला भी हर्षद मेहता था। उसका मानना था कि एक दिन ऐसा आएगा जब लोग घर बैठे बैठे ही कंप्यूटर पर शेयर खरीद बेच सकेंगे और शेयरों की टिप भी कंप्यूटर पर ही मिल जाया करेगी। अब हर्षद फिर से टिप देने वाली एक कंपनी खोलता है किसी और के नाम से और अपनी ट्रेडिंग भी शुरू कर देता है। उनकी कंपनी का नाम था दमयंती ग्रुप। लेकिन 1998 में न्यूज आती है कि भारत ने पोखरान में 3 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं जिससे फॉरेन इन्वेस्टर पैनिक हो गए और उन्होंने भारत की मार्केट से अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए। मार्केट 3 दिन में 7% गिर गया। फिर सुचिता दोबारा डीटी के पास फोन करती है और कहती है कि 3 शेयरों के भाव पिछले कुछ दिनों से आसमान को छू रहे थे और अचानक से मार्केट टूटने पर वो जमीन पर आ गिरे। मुझे लगता है कि हमारा पुराना दोस्त ही इन शेयरों को ऊपर ले जा रहा था। फिर वो डीटी को कहती है कि मुझे दमयंती ग्रुप की डिटेल्स चाहिए। फिर वो पता लगा लेती है कि दमयंती ग्रुप के 4 डायरेक्टर हर्षद मेहता के साले हैं। फिर से हर्षद की न्यूज छपती है और फिर से उसके ऑफिस में छापा पड़ जाता है और सभी कंप्यूटर्स की छानबीन शुरू हो जाती है। धंधा फिर से चौपट हो जाता है। एक दिन हर्षद अपनी वाइफ के पास बैठा था। वो अपनी वाइफ को कहता है कि मैंने बहुत पैसा कमाया लेकिन मुझे वो पैसा यूज करने का सुख नहीं मिला। एक दिन अश्विन अपने ऑफिस में बैठा हिसाब किताब लगा रहा था। फिर वो भूषण के पास जाता है और बताता है कि कस्टोडियन की रिपोर्ट आई है, शेयरों का एक पूरा लॉट गायब है। उस लॉट में 27 लाख शेयर थे। भूषण कहता है कि हो सकता है कहीं मिसप्लेस हो गए हों, मैं सारे रिकॉर्ड्स दोबारा चेक कर लूंगा। फिर जब ये बात हर्षद को पता चलती है तो वो भी चिंता में पड़ जाता है कि 27 लाख शेयर ऐसे कैसे गायब हो गए। अश्विन कहता है ये सारा रिकॉर्ड भूषण के हाथ में था, अगर मैं ना चेक करता तो ये गलती कभी भी पकड़ी नहीं जाती। मुझे लगता है कि 1992 में जब हम दोनों कस्टडी में थे तभी ये घोटाला हुआ है, 300 करोड़ के शेयर है। हम जाकर कल ही कस्टोडियन को सब सच बता देंगे वरना वो ये गलती भी हमारे सर मट देगा। फिर वे कस्टोडियन के ऑफिस में जाते हैं और कहते हैं कि हमारे 27 लाख शेयर लोकेट करवाइए जो हमारे रिकॉर्ड में तो बोल रहे हैं लेकिन आपके
कार्ड में नहीं चढ़े। उनकी अमाउंट करीब 300 करोड़ रुपए है। हमारी 300 करोड़ की लायबिलिटीज कम हो जाएंगी। जब ये बात भूषण को पता चलती है तो वो गुस्से में दोनों भाइयों के पास आता है। वो कहता है कि सीबीआई मुझसे क्यों सवाल जवाब करना चाहती है। हर्षद कहता है वो शेयर नहीं मिल रहे थे, हमने ही कस्टोडियन को उन्हें लोकेट करने को कहा है, उन्होंने सीबीआई को बता दिया होगा। भूषण कहता है कि कस्टोडियन के पास जाने से पहले तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। वो शेयर गायब नहीं हुए हैं, शेयर मैंने बेच दिए हैं। अश्विन पूछता है कोर्ट के अटैच किए हुए शेयर तुम कैसे बेच सकते हो। भूषण कहता है कि कोर्ट ने वो शेयर कभी अटैच किए ही नहीं थे, क्योंकि मैंने एसेट्स की लिस्ट में उनका ब्यौरा डाला ही नहीं था। मैंने बेनामी कंपनी के नाम पर वो शेयर ट्रांसफर कर दिए और ओपन मार्केट में बेच डाले। हर्षद उसके कान के नीचे एक देता है और पूछता है कि वो शेयर तेरे बाप के थे। भूषण कहता है कि सीबीआई वाले मेरे मुंह पर मूत रहे थे, क्या करता मैं। तुम लोगों के पास तो इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतने सारे एसेट्स थे, मेरे पास क्या था। तुम लोगों के पास रहते तो वैसे भी ये डूब नहीं थे। निकाल डाले मैंने सारे शेयर, जो भी कीमत मिली रख ली। तूने ही कहा था ना तू मेरा पार्टनर है, जो चाहे ले लेना। हर्षद कहता है सीबीआई को लगेगा मैंने कोई कांड किया है, मैं दोबारा जेल नहीं जाने वाला, अब की बार तू जाएगा। भूषण कहता है कि अगर तुम दोनों ने सीबीआई को कुछ भी बताया तो मैं भी तुम लोगों के सारे राज खोल दूंगा। फिर हर्षद कहता है मुझे मेरे शेयर वापस चाहिए। भूषण कहता है अगर तुम दोनों ने माँ का दूध पिया है तो शेयर लेकर दिखाओ। उसके बाद भूषण खुद ही सीबीआई के दफ्तर में पहुंच जाता है और कहता है कि 1992 में हर्षद ने 27 लाख शेयर को कभी डिक्लेयर किया ही नहीं। फिर जेल से बाहर निकलते ही दोनों भाइयों ने उन शेयर्स को एक बेनामी कंपनी के नाम ट्रांसफर कर दिया और उनको ओपन मार्केट में बेच डाला। उस रात हर्षद अपनी फैमिली के साथ कौन बनेगा करोड़पति देख रहा था, तभी उसके घर फिर से सीबीआई की रेड पड़ती है और वे हर्षद को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं। सीबीआई ऑफिसर हर्षद के कान पर एक थप्पड़ देता है और फिर उससे पूछताछ करता है, लेकिन हर्षद के पास बोलने को कुछ था ही नहीं। अश्विन जेल में उससे मिलने आता है और कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। फिर वो हर्षद को कुछ दवाइयां देता है और कहता है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। हर्षद अपने भाई के गले लग जाता है, क्योंकि बुरे वक्त में भी उसके भाई ने ही उसका साथ दिया था, उसके भाई ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। 31 दिसंबर 2001 की रात जब सब लोग नए साल की खुशियां मना रहे थे, उस समय हर्षद को जेल में हार्ट अटैक आ जाता है। फिर कुछ पुलिस वाले आकर उसे संभालते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई फर्स्ट एड नहीं, पुलिस वाले सरकारी हॉस्पिटल में ले जाकर हर्षद को एक बेंच पर बिठाते हैं और उसे तड़पता हुआ छोड़कर वहां से चले जाते हैं। हर्षद की फैमिली के पास फोन कर दिया जाता है और अटैक के बारे में बता दिया जाता है। फिर हर्षद की फैमिली हॉस्पिटल में आकर उसे ढूंढती है। काफी देर बाद जब वे हर्षद के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हर्षद इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। जब हर्षद की मौत का सुजीता को पता चला तो वो भी सुन हो जाती है। इस स्कैम के बाद सरकार ने बैंक्स और शेयर मार्केट दोनों के लिए ही नए नियम बनाए, ताकि इस तरह के स्कैम ना हो सके। लेकिन दुनिया में एक से एक तेज दिमाग के लोग बैठे हैं, जो स्कैम करने का नया रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। 1992 के घोटाले ने भारतीय बाजार को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। शेयरों की कीमत नाटकीय रूप से गिर गई, जिससे बाजार में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ था। हालांकि सरकार ने इन मामलों से निपटने के लिए एक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की, ताकि जल्दी से जल्दी ये मामला सुलझाया जाए, लेकिन आज भी कुछ मुकदमे ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हैं। बहुत से केस 2001 में हर्षद मेहता की मौत के बाद बंद कर दिए गए। सुचिता दलाल को 2006 में पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया। अश्विन मेहता आज भी वकील के रूप में कुछ केसों से लगातार लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरी वेब सीरीज को देखकर आपके दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि इससे मुझे पता चल सके कि जनता की इस स्कैम को लेकर क्या राय है। आपको इस पूरे स्कैम में किसकी गलती नजर आती है कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।